अस्सलाम। ओहो हुराम, और वो काय ना ना लेटे हुए हैं। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। मुंदा पागल हो गई। हाँ। अल्लाह हाथ तो मिला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थे आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो व्यूवर्स, ये वीडियो है संडे वाले दिन की, यानी संडे की। संडे को बनाया था मैंने आलू गोश्त, लेकिन जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा कि मेरे भतीजे भतीजियां आए हुए हैं, तो बच्चों की वजह से फिर मैंने आलू मटर का जो है चावल बनाने की तैयारी शुरू की, क्योंकि बच्चे चावल शौक़ से खाते हैं। रोटी बच्चे बहुत कम शौक से खाते हैं, चावल खाते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भाई के साथ आ रहे हैं मेरे भतीजे भतीजियां, तो मैंने जल्दी जल्दी मटर के चावल बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मटर तो आपको पता है सीज़न है, तो ऑलरेडी के फ्रिज में मौजूद होते हैं। और मैं तो अच्छे खासे 1.5-2 किलो मटर जो है छील कर और उनकी जो है ना थैलियाँ बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मटर और टमाटर या चावल तो सबके घर में मौजूद होते हैं, आलू भी ऑलरेडी होते हैं, तो बस फटाफट मैंने कुछ मंगाना नहीं पड़ा और ये चावल ले ली बना लिए। अम्मी के घर हुई थी, मेरी अम्मी की तबारक पढ़वाई गई थी। जो इनके घरों में पढ़वाई जाती है वो उनको पता होगा, कुछ लोगों के घरों में नहीं पढ़वाई जाती। तो भाई मेरे लिए तबारक की रोटी लेकर आ रहे थे, तो उनके साथ मेरे ये भतीजे भतीजियां जो पैंट शर्ट में हैं, वो मेरे दूसरे नंबर वाले भाई के बेटे हैं, और जो है दो बेटियां हैं वो मेरे बड़े भाई, जिनके लिए मैं अक्सर आप लोग से दुआ करवाती हूँ, उनकी बेटियां हैं रुताबा और मुंतहा। और जो हुरम हैं वो जो मेरे भाई आए हैं आसिफ, उनकी बेटी है, और यासिफ मुझसे छोटे हैं। और इनकी छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो ये बस निकले थे टूर पे सब बहनों के घर तबारक बांटने। तो फ़ोन आ गया था घर से कि ये लोग आ रहे हैं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चावल बनाने शुरू कर दिए। यहाँ बना रही हूँ मैं रायता। रायते में मैंने वही धनिया पुदीना और लहसुन की चटनी डाली है, और यहाँ भुना ज़ीरा डाला है। तो बस खुशी हो जाती है कोई घर से आता है, तो बस मैके से कोई आए, चाहे कोई एक फ़र्द ही आए, कोई भी आए, तो बस जो खुशी की होती है, तो वो मैरिड जो लड़कियां हैं वो अच्छी तरह से समझ सकती हैं फीलिंग। और भाई चाहे छोटे हों या बड़े हों, आज चाहे आपसे उम्र में छोटे हों, तो वो भाई तो फिर भाई होते हैं, उनके आने की बेइंतहा खुशी होती है। और बहनों को जो मोहब्बत भाइयों से होती है ना, तो उसकी फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। तो बस मैं ये बना रही हूँ यहाँ जल्दी जल्दी खाना। और किस किस के घरों में तबारक पड़ी जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आने लगा गली से शोर, बस गली से बहुत जो है ना ये जाते हैं रेड़ी वाले, इनका बहुत शोर होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी चावल बनाए और साथ साथ मैं कमरे का भी चक्कर लगाती जा रही थी, भाई के साथ बातें कर रही थी। तो बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तमाम लड़कियों के मैकों को आबाद रखे, उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो जनाब यहाँ बातों बातों में खाना भी पक गया और ये सब अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और हुरम कह रही मेरे पापा की भी तो बनाएं। तो सैलेड भी मैंने बना ली है और रायता भी बना लिया है। तो अब मैं जाकर देखती हूँ ये बच्चे ऊपर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर से शोर की आवाज़ आ रही है। खाना बन चुका है, थोड़ी देर बैठ के अब भाई से बातें करते हैं जब तक बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। ये क्या खेल हो रहा है ऊपर सब? क्या संभाल लो आगे जाके? अल्लाह, वॉशरूम में छुपने गए हैं और आप कहाँ चले बैठे हो? मुल्क की हिफाजत, बक्से में बैठ के होगी मुल्क की हिफाजत। अच्छा यहाँ कंप्यूटर चल रहा है, गायबाना
ओहो मैडम बेटा ये स्वेटर उठाइए ऊपर से गिरा धुला हुआ। मोरम आप क्या खेल रही हो? क्या खेल रही हो आप? फौजी वाला? ये सबके सब फौजी बने हुए। ये हमारे बाबला आप क्या बने हो? मैं तो मैं ही फौजी बना हूं। फौजी बने हो? फौजी के सरहद पे बैठे हैं। अरे भाई उनके वो व्हाइट से कपड़े पहने हुए होते हैं ना, उनके हाथ में तलवार। और आप क्या कर रही हो? आप भी फौजी बने हो? सबके सब फौजी बन गए भाई। ये पूरे जो है ना ये हमारे कपड़े पड़े हैं रस्सी पे, सब कपड़े फेंक दिए इन लोगों ने। तो सैलेड और रायता बन चुका था, चावल जब तक दम हो रहे थे मैं गई थी ऊपर बच्चों को देखने, और ऊपर बच्चों ने बड़ा उधम मचाया हुआ था, वो कपड़े फैलाए हुए थे। खैर खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ऐसी बातें हारी से अकेले होते हैं, खूब इंतज़ार कर रहे थे इन लोगों का। तो यहाँ मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था, फिर बच्चों की आमद के बाद मैंने थोड़े से मटर चावल बना लिए थे कि बच्चे चावल शौक़ से खाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का शॉर्ट व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको, कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और डिनर की वो लंच की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी, बस मसरूफ़ हो गई थी। उसके बाद हम लोग खाने के बाद ये बैठे हैं, सब चाय पी रहे हैं, और हारिस कभी चाय नहीं पीते हैं, देखें बच्चों की देखा देखी। तो बस इसी तरह हमारा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया था, खेल कूद कर सब बच्चे थक गए हैं और बैठे हैं, सब चाय पी रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।